अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज और पाकिस्तान सीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी, मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज एक नए हफ्ते का आगाज हो रहा है, 9 जुलाई 2021 है और सबसे पहले तो आपको ये 9 अगस्त 2021 है और सबसे पहले ये बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन हैं उनको रिलैक्स किया है। आई थिंक ये थोड़ा पॉजिटिव होगा आज मार्केट के लिए। दूसरी पॉजिटिव चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं, वो ये होगा कि जी ओवर द वीकेंड खबर आई कि नई रिफाइनिंग पॉलिसी जो है उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्दी कैबिनेट को पेश किया जाएगा। तो ये मैं, अगर आपको याद हो, काफी पिछले हफ्तों से बताता चला आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने सवाल ही पूछा था कि रिफाइनरी से क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा डिप्स पे अक्यूमुलेट करें, किसी भी दिन खबर आ सकती है। तो अच्छा, अभी ये जाहिर है कि ड्राफ्ट है, ठीक है, ड्राफ्ट जाएगा कैबिनेट के पास, फिर अगर वो कैबिनेट समझेगी उस पर डिस्कस करेगी, कुछ चेंजेस अगर वो चाहेंगे तो वहां पर चेंजेस हो सकती हैं और फिर ये दोबारा फाइनल होने जाएगा कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के पास और फिर ये वापस आएगा फुल अप्रूवल के लिए। तो इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, बट अगस्त का महीने की बात की थी और मैं रेफरेंस देता था पाकिस्तान रिफाइनरी की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी उसकी, जिसमें ये बताया गया था कि अगस्त में वही ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी जो है वो कैबिनेट के सामने आएगी, तो ये खबर भी आ गई है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस डिप हो गई हैं, जो कि अच्छा है पाकिस्तान के लिए। ब्रेंट 70 से नीचे आ गए, $69 और कुछ सेंट्स पे है और इवन यूएस क्रूड भी 67 से नीचे आ गया। खैर, हमारे लिए ब्रेंट ज्यादा मैटर करता है क्योंकि उसकी और जो अरब लाइट जो हम एक्चुअली हमारी जो इम्पोर्ट है वो अरब लाइट के थ्रू होती है, तो वो 69 के करीब आ गया। तो ब्रेंट और अरब लाइट तकरीबन सेम ही हमको नजर आती है उनकी प्राइसेस, तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, सुबह सुबह लकी सीमेंट के रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं और इनकी फुल ईयर की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स आई हैं कोई 43.50 रुपीज की। तो ये अच्छा, इसके साथ ये बता दूं पहले कि लकी सीमेंट ने कुछ भी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, ना कैश ना बोनस, कुछ भी नहीं आया है। अर्निंग्स मैंने कहा कि 43.50 रुपीज के आसपास है, लेकिन ये क्वार्टर एंड क्वार्टर कम है, तो समझ लिया कि हायर कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट फुल नजर आया है और जो मार्जिन हैं वो हिट हुए हैं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में 22 रुपए की अर्निंग थी और अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसका मतलब है कि लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 7.5 रुपए के करीब अर्निंग आई है, तो मेजर हिट हमको जो है वो मार्जिन पे नजर आ रही है और अब ये एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी कि जल्दी सीमेंट की प्राइसेस में और इजाफा होगा। बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं है ऑफकोर्स, अगर देखा जाए तो, कि डिविडेंड भी नहीं आया और अर्निंग्स भी क्वार्टर एंड क्वार्टर कम है। अच्छा, ये है। फिर यूबीएल का रिजल्ट आया है, यूबीएल में हमने देखा है कि उन्होंने 4 रुपए का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ये है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम खबरें देखें तो आई थिंक ये भी खबर आ गई थी, हाँ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पुश कर रहे हैं कि जो कमिटमेंट की गई थी अराउंड जो अबाउट पावर टैरिफ, उस पर कमिटमेंट अपनी पूरी करे गवर्नमेंट। अब ये एक टफ चीज है, यही हम देख रहे हैं कि एक बड़ी वजह है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में उनसे अभी तक नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, जहां कोरोना की के रिलैक्स कर दिए हैं जो लॉकडाउन के रूल्स वगैरह है, लेकिन फिर भी अभी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में मैं कल खबर पढ़ रहा था, इस्लामाबाद में केसेस काफी बढ़ रहे हैं और इवन आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी काफी हाई नंबर्स आए हैं, तो अभी भी केयरफुल होना जरूरी है। अगर जहां से चीजें दोबारा से खराब होंगी तो सख्तियां लॉकडाउन की दोबारा भी आ सकती हैं। अभी मैंने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि फ्राइडेज और संडेज को बिल्कुल सब कुछ बंद होगा। अच्छा जी, सेलुलर स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात आ रही है, इट इज एक्सपेक्टेड टू फेच $831 मिलियन। ओके, सो बाकी ऐसा कोई और खबर नहीं है। कोयला अभी भी महंगा ही है, $135 से ऊपर ही नजर आ रहा है, वो मैंने आपको सीमेंट के वाले से बात कर ली। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लगता है कि ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी की जो खबर है इससे रिफाइनरी के स्टॉक्स में हम देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। बाकी भी ओवरऑल मार्केट बारिंग सीमेंट सीमेंट में भी हो सकता है कि जो सेंटिमेंट जो है वो लेकर चल जाए और फिर जो खबर आने वाली है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीमेंट प्राइसेस में इंक्रीज, तो डिप से वहां भी हम समझ सकते हैं कि थोड़ी अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो ये इसी तरह से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। आई थिंक फिर परसों भी और भी रिजल्ट्स हैं अटक ग्रुप की, काफी कंपनीज के, अटक सीमेंट, अटक पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील, अटक रिफाइनरी एंड ऑल दैट। सो आई थिंक यही फोकस होना चाहिए कि डिप्स एक्यूमुलेट करें और अगर हम देखें कि कुछ प्रॉफिट्स गेन हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स भी बुक करें और डिप में दोबारा ही बाय कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, कोई और खबर होगी तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।